नाम क्या आपका? रफिया बानू। रफिया बानू जी, कल यहाँ पे मतदान होने वाला है, वोट होने वाला है, क्या सोच के वोट करेंगे? किसकी सरकार आएगी? मेरे ख्याल से तो भाजपा आना चाहिए। भाजपा? काम किया उन्होंने? दिखता ही आपके सामने। अच्छा, ये जो अटल ब्रिज बना है, ये हॉस्पिटल बन रहा है, लोग तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है केजरीवाल, कोई कह रहा है राहुल गांधी, कोई कह रहा है मोदी। राहुल गांधी और सब भाषण दे के जाते करते कुछ नहीं। अच्छा, अब ये मोदी के राज में सब कुछ चलने फिरने में खुश है। खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। ऐसा क्यों? बस भाजपा। काम हुए? हाँ हुए ना। महिला सेफ्टी? हाँ। धन्यवाद मैम, एक सेकेंड, नाम क्या आपका? मोनिका। मोनिका जी, ये बताइए, कल यहाँ पे वोटिंग है अहमदाबाद और 93 सीटों पर गुजरात के, क्या लग रहा माहौल? अच्छा लग रहा है। किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। बाकी पार्टियां भी जोर लगा रही हैं, वो कह रही हमारी सरकार आ रही, केजरीवाल कह रहे हैं हमारी आ रही, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी आ रही। गुजरात में तो मोदी सरकार ही कंफर्म है। कंफर्म है? हाँ जी। कल तो वोट है, अभी से आप कह रहे हैं कंफर्म है? कंफर्म है वो तो। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा, क्या क्या काम और किए उन्होंने? थैंक यू। नाम क्या आपका? हिमांशी। हिमांशी जी, ये बताइए, कल वोटिंग है गुजरात में और आखिरी चरण का मतदान होने वाला 93 सीटों पर, माहौल क्या लग रहा है और आपका मत किस तरफ है इस बार? भाजपा को। काम किए किए भाजपा ने? महिला सेफ्टी कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। और काम क्या किए हैं? और क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया 27 साल में। बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया है मोदी जी ने, कौन बोलते कि नहीं काम किया। केजरीवाल तो हर दूसरे तीसरे दिन गुजरात आ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने एक भी विकास का काम नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। क्या क्या आपको फायदा क्या क्या हुआ उनकी? बहुत सारे फायदा ही है ना, ये सब अच्छा है, रोड वोड सब, कोई चीज ऐसी नहीं है कि अच्छी नहीं लगी हमको, सब कुछ अच्छा लगा। और कल वोटिंग होने वाली है, उससे पहले केजरीवाल का वादा है कि महिलाओं के खाते में 1000 मुफ्त में डालेंगे। कौन बोलते हैं? केजरीवाल। कोई डालता नहीं है। अच्छा, भरोसा नहीं आप? कोई नहीं डालेगा। राहुल गांधी को जानते हैं? सबको जानते हैं। उनका कुछ भरोसा है आने का? ये तो मैं नहीं बता सकती, केवल मोदी। मोदी मोदी। नाम क्या सर आपका? अशोक भाई। कल वोटिंग है गुजरात में, हमारे वहाँ वोट क्या लगा? मोदी साहब। मोदी साहब, ऐसा क्यों? कहेगा विकास उसने किया है ना, इसलिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं इस बार, वो सब झूठा है, केवल मोदी ही। अच्छा। जरा काम बता दीजिए, क्या क्या किया उन्होंने? ये अटल ब्रिज है, फिर आप देखो तो रिवर फंड है, फिर देखो तो सारे रास्ते हैं, रोड रास्ता कहाँ काम है। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हम, वो नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। और राहुल गांधी जी का? वो तो मालूम नहीं, राहुल उनके बारे में बताए नहीं। ठीक ठीक। नाम? उषा बेन। कल वोटिंग है यहाँ पे मतदान, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? पता नहीं। मैम नाम क्या आपका? हम तो जा रहे हैं अभी देखने। कोई नहीं, अभी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल यहाँ पे वोटिंग है मतदान, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? मोदी की आएगी। मोदी जी की आएगी। मोदी जी की आएगी। ऐसा क्यों, क्या काम किया उन्होंने? बहुत सारा किया, बहुत सुधार किया है, एकदम गुजरात को पूरा अपडेट किया है, मोदी सरकार ही आएगी। पहले कैसा था गुजरात? पहले भी अच्छा था, लेकिन मोदी जी ने बहुत अपडेट किया है, उनकी वजह से लेडीज कहीं पे भी जा सकती है, कोई डर वगैरह नहीं, पहले थोड़ा डर रहता था, अभी सब अपडेट हुआ है, मोदी जी सरकार ही आएगी 100%। अच्छा, अब ये बताइए, केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं के खाते में 1000 रुपये देंगे हम फ्री में। केजरी सरकार भले कहे, लेकिन मोदी जी भी देते हैं और केजरी सरकार भी देंगे, ये हम वो नहीं बोलते कि नहीं देंगे, लेकिन मोदी जी हमारे लिए तो मोदी जी है सर। अच्छा, जैसे केजरीवाल हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ गुजरात आते हैं, वो तो कहते हैं मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया है। वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी है, इसलिए बाकी हमारे लिए तो मोदी जी है। एक बच्चा जिसको पता चलता है ना, तब से वो मोदी मोदी करता है। अच्छा, बच्चे को जब से समझ आती है, वो तब से मोदी मोदी करता है, तो फिर मोदी सरकार तो आनी ही चाहिए। अच्छा।
ठीक ठीक। अब मोदी जी यहाँ अहमदाबाद में कल वो वोटिंग करेंगे, आप भी करेंगे, क्या सोच के मतदान करेंगे? और अपडेट थोड़ा करें, मोदी जी करेंगे और मोदी जी आएंगे, उन्हीं पे भरोसा है। और राहुल गांधी जी के नहीं, हमको मोदी जी चाहिए बस, जो भी है मोदी जी। ज्योति बहन ये बताइए, कल मतदान होने वाला है गुजरात में, किसकी सरकार बननी है? भाजपा। भाजपा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस भाजपा, आनंद है नरेंद्र मोदी के राज में, आनंद भैया बोल रहे। थैंक यू दिख रहा। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। में भी बच्चे जो अपने यहाँ से जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशन फ्री है, ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल फ्री है। अच्छा। तो अपने बच्चे यहाँ से जब उधर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि भाई वहाँ पे फ्री है इसलिए वो लोग लिए वो वहाँ जा रहे हैं। फ्री के लिए नहीं, वो अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पे, पढ़ाई का हमने जो यहाँ पे पढ़ाई की है उसका एजुकेशन का लेवल हमको वहाँ पता चलता है कि एक्चुअली हमारा लेवल वहाँ पे क्या है और यहाँ पे नहीं है। तो धन्यवाद। ये कैसा खिलौना है? ये उड़ाने का है। अब ये बताइए गुजरात में किसकी सरकार उड़ेगी इस बार, कौन चलेगा? अभी देखने जाओ तो केजरीवाल भी आ सकता है, देखने जाओ तो बीजेपी भी आ सकता है। काम किसने किया यहाँ? यहाँ पे काम तो मोदी साहब ने भी किया हुआ है। अच्छा, जब से ये अटल ब्रिज आया तब से कितनी आपकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी तो कुछ नहीं, जो है जो भगवान की मेहरबानी ऊपर से जो हो जाता। अभी देखने जाओ तो ये बनाया हुआ है, अंदर जाने नहीं देते अभी। अच्छा। देखो अंदर जावे तो धंधा दो पैसा हो जावे, बाहर भी खड़े रहने की। अच्छा लग रहा है जब से लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं? अच्छा ही है, अभी धंधा चल रहा है, सबका चले। मैं तो चाहता हूँ कि सबका होना चाहिए धंधा, सबको करना देना चाहिए। अच्छा। हाँ, मगर जो भी धंधा करते हैं उनको सावधानी से रहना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। नाम क्या माता जी आप? नाम साजिदा। ये बताइए कल यहाँ पे वोटिंग होने वाले हैं, मतदान। हाँ। कल आप भी वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? यही कि कुछ अच्छा हो अपने इसके लिए। अच्छा। और सबके लिए अच्छा हो। इस सरकार ने काम किया है या? किया है। काम किया है। काम किया है। यही कंटिन्यू रहनी चाहिए या कोई और मौका देना चाहिए? किसी और को मौका देना चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक। नाम क्या सर आपका? साबिर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी है? ऐसा श्योर नहीं लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ। कोई पब्लिक बोल रही है आप आएगी, कोई बोल रहा है भाजपा आएगी। अच्छा, देखो क्या होता है। आपका दिल क्या कह रहा है, किसकी आ रही है सरकार? तो हम श्योर नहीं कह सकते। श्योर नहीं, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कामों से, इसलिए क्या रिजल्ट आएगा अभी भी थोड़ा असमंजस है। अच्छा, कल इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ही। मतलब कुछ तो सोच के बटन दबाएंगे अभी ईवीएम का? गुप्त मतदान होता है इसका, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा ना। काम किया पिछली सरकार ने यहाँ? काम तो किया है, लेकिन फिर भी पब्लिक चाह रही है कि कुछ चेंजेस हो तो बढ़िया रहेगा, चेंज होना मांगता है। क्या सर आपका? शैलेश भाई। शैलेश भाई जी ये बताइए कल मतदान होने वाला है यहाँ, क्या सोच के वोट करेंगे सुबह? वो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी? हाँ बीजेपी को। काम किया कुछ? हाँ, गुजरात में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है, मेट्रो स्टेशन आ गया है, नया रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया है, इसलिए बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, आप किसको देंगे? मन तो पच्चा के था, नहीं बात नहीं कुछ है। अच्छा, आप किसको वोट करेंगे? बात नहीं, पच्चा के नहीं खुशी, पच्चा के नहीं खुशी, पता नहीं किस चीज़ के लिए खुश है। आइए आइए, मतदान है यहाँ पे, क्या सोच के वोट करेंगे? भाजपा। अरे आपका? राखी। राखी जी ये बताइए कल अहमदाबाद सहित पूरे लगभग 93 सीटों पर यहाँ पर मतदान होने वाले हैं, क्या लग रहा माहौल अभी? मैं यहाँ की नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ की नहीं हूँ। फिर भी ये बताइए, राजस्थान से आप हैं, गुजरात कैसा लगा आपको? गुजरात तो बहुत अच्छा लगता है, ये अहमदाबाद तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ रहने का ही मन करता है। सेफ्टी कैसी है यहाँ महिलाओं की? बहुत अच्छी सेफ्टी है यहाँ पे, कोई टेंशन ही नहीं, मतलब महिला लेडीज गर्ल्स कोई भी ऐसे ही बिंदास घूम सकते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं यहाँ पे, बहुत अच्छी सेफ्टी है। क्या लगता है आपको कि जो ये सरकार है यहाँ काम कर रही है? हाँ, मुझे तो लगता है यहाँ पे रोड वगैरह मतलब सब कुछ फैसिलिटी कुछ भी बहुत अच्छा है। राजस्थान से क्या अलग दिखा आपको गुजरात में? यहाँ की रोड बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पे लड़कियाँ सेफ्टी के साथ घूम सकती है, सब बिंदास घूमती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, यही है और तो क्या, अच्छा ये सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू।